की कोशिश करो प्यारे बच्चों, और इसको तुम कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो। वन मोल ऑफ, वैसे ये डाउट में काफी बार आता है यार। दिक्कत क्या है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। वन मोल ऑफ आइडियल गैस डाई एटॉमिक है, वो पीवी डायग्राम दिया हुआ है आपको। ए से बी तक एक स्टेट लिया गया, ए से बी तक स्टेट। अब बेसिकली हम लोग को चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो डेल्टा यू है, ओयन सी वी डेल्टा टी, आई होप कि आपको फार्मूला याद होगा। नंबर ऑफ मोल वन है, सी वी होता है एफ आर बाई टू, डेल्टा टी टेम्परेचर ऑफ बी का माइनस टेम्परेचर ऑफ ए का, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है डाई एटॉमिक के लिए लो टेम्परेचर पे कितना होता है भाई, 5 R/2। और टी वी, अब देखो टेम्परेचर मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, इस पॉइंट का टेम्परेचर और इस पॉइंट का टेम्परेचर हमको नहीं पता भैया। ये जब पता ही नहीं है तो एक बार और आइडियल गैस इक्वेशन पीवी डायग्राम में आपको पता होगा किसी पॉइंट का टेम्परेचर कैसे निकालते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, नंबर ऑफ मोल वन है तो ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू पीवी अपान आर। तो यहाँ आ जाएगा PV/R, ये बी पॉइंट का माइनस PV/R, और ये आ जाएगा ए पॉइंट का। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो बेसिकली आर जो है वो कूद के इधर से बाहर आ जाएगा और कट जाएगा, तो यहाँ 5/2 बच गया, और बाकी प्रेशर और वॉल्यूम डालो। प्रेशर यहाँ 6 है, प्रेशर यहाँ सर 2 है, और वॉल्यूम बी पॉइंट का 6 है, तो 6 × 2 × 10³ किलो किलो देखना यहाँ, ठीक है, किलो पास्कल में है, माइनस ए पॉइंट का, ए पॉइंट का जो प्रेशर है 5 है और वॉल्यूम है 2 है, तो 5 × 2 = 20, तो 20 × 10³, तो कुल मिला के 20 - 8 - 5 कर दूं एक बार, एक स्टेप, 5/2 - 8 × 10³ मतलब यह आ जाएगा 4, मतलब -20 kJ चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई होगी, बिकॉज जो ये निगेटिव आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो इंटरनल एनर्जी थी वो ज़्यादा हुई, -20 kJ।